है तूने का नहीं लिखना। तो पापा को लेके क्लास में आ, चल क्लास में आ पापा को लेके आ। यार यार चल मैं उसे क्लास से चल उठ चल के चल चल क्लास में आ बैठ उधर जल्दी आ स्कूल लगा। हां जी आया चल बैठता हूं। हां स्कूल लगा चल जल्दी आओ क्लास तू आ जा बाबा बाबा आते हैं चल तू आ जा बाबा आते हैं तू आ जा बाबा आते हैं अच्छा मैं बाबा कैसे एक मिनट किधर जाना है किधर अच्छा मैं अच्छा मेरी बात सुनो मेरी बात तो सुनो उधर एमरिक एमरिक मेरी बात सुनो नहीं आपने पढ़ना नहीं है क्लास में बाबा के साथ पढ़ना अच्छा मेरी बात ओए मामा को भी ले ले पापा ने ना लिया अच्छा आप ऐसा करो भी इधर ले आओ यार इधर इधर ले आओ भी इधर ले आओ हाँ सर सर आप ऐसा करो सर जी आप ऐसा करो इधर हाँ इधर यार अपना रजिस्टर ले गया किथे पे आ जा वो कॉपी ले गया अपन तेनु पता किथे वे नहीं सारा पीला है कौन सारा पीला है तू मेरी अब बात चला चले क्लास अमृत मेरी बात सुन गया चला क्लास में चले चला क्लास में चले डिस्टर्ब कर रहे और मुझे क्या कह के आया था तुम्हें लिखता हूँ भी है चला फिर लिखे भी चलते हैं अभी चलते हैं दीदी भी आ गई है लेने के लिए कच्ची दीदी मोदी दी छुट्टी है मैं हाँ मेरे साथ भी कच्ची कर रही है पक्की कर अच्छा मेरी बात सुन क्लास में क्लास में नहीं जाना आपने अमरिक बाबा पास रहना है कि क्लास में जाना है कि इधर रहना है बाबा पास चल बाबा को नीनी करवा नीनी करवा फिर नीनी कराई ना बाबा सब लोग ले जाए चलो अब अमरिक के बाबा सो गए हैं अमरिक को ले जाओ क्लास में बाबा अच्छा तू नीनी कराना अच्छा आप ब्लैंकेट तो उतारना मुंह से ब्लैंकेट हाँ चल नहीं सर जी सर आप रहने दो एक मिनट क्लास में नहीं जाना है अमरीका में चलो नहीं निकलो इधर ऐसे ऐसे इधर इधर सो जा बेबी चलो अब इसके पापा सो गए हैं अब ले जाओ अमरीका को क्लास में ले जाओ बाबा क्लास बाबा तो अमेरिका आपने पढ़ना नहीं है पढ़ना बी पढ़ना बी नहीं लिखना बताओ मामा को बताओ बी लिखना अच्छा तो फिर आज स्कूल नहीं जाना बाबा बस बैठ के पढ़ रहे हाँ। और इधर देख नहीं लेके जाता इधर देख बस एक दो बातें करनी है तेरे साथ पहले पढ़ना पढ़ना इधर ही पढ़ना उसने वो इतना ही लाया पढ़ना है वो इतना ही लाया वो सर के साथ ऐसे बोलते हैं ते इतना ही लाया एक जफ्फी डाल दे बस मैं जा रहा हूँ फिर ओ बाबा उठ के जफ्फी डाल दे उठ के जफ्फी डाल दे एक मैं जा रहा हूँ दीदी आ गई दीदी लेने आई है इधर देख दीदी आई है लेने दीदी जा दीदी ना चलो ठीक है अमरिक और उसके बाबा सोने लगे हैं अमरिक नीनी करवाओ बाबा को नीनी करवाओ अमरिक बाबा को नीनी करवाओ पांच मिनट बाद मेरी बारी आई ठीक चल अमृत मेरी बारी आ गई इधर 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 ऊपर हैंडी इधर ये नीचे कर ले ओ सर उठे खलोता
सो जा बेबी सो जा बेबी तो जा करदा उठे बाकी मैंने देखा सोता है ते नींद नु करदा सो के यो रो लगी। चलो जी अब ठीक है सर, दूसरे सर भी सर दानिश भी आ गए हैं तो सर ये देखो सर दानिश भी आ गए हैं और सर राशि भी आ गए हैं। चला यार पढ़ते यार आजा चला ना पढ़ते स्कूल लगाओ है चल आजी गया हुआ है इंग्लिश स्कूल में चलो जी ये देखो अभी अपने बाबा के साथ कंबल मैं पर ले लो सर्दी लग रही मुझे चलो जी अभी बाबा जा रहे हैं जी क्लास में अमरीक के साथ जा रहे हैं अपने बेटे ये सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं तो अमरीक अभी अपने बाबा के साथ आया है कहता है बाबा के साथ पढ़ूंगा मैं। कॉपी के डर है तेरी रजिस्टर के डर है तेरी पेंसिल के डर है उठा के लेके जा चलो जा लेके आ दो पेंसिल उसकी। ये देखें जी ये पहला स्कूल है जिधर बाबा भी पढ़ने आए हैं और अपना ब्लैंकेट साथ ही लेके आए हैं। हाँ। मुझे सर्दी लग रही है ना अमरीक को तो नहीं लग रही लेकिन मुझे सर्दी लग रही है। चलो आप ठीक है आप ऐसा करो चलो अभी अमरीक क्लास में बैठ गया चल चलो मैं अच्छा मैं बैठ गया रेजर दो भाई रेजर अमरीक मैं मुझे वॉशरूम हो वॉशरूम जाना बाबा को युवा है ना बाबा भी तेरे घर दे जैसे तू ऊपर कर दिया तू ऊपर कर दिया अपने बाबा ही कर पता हां तेरे घर दे ठीक है अमृत सॉरी मैं वॉशरूम चला जाऊं मैं एक मिनट में आया वापस इतने का इधर ही करा हूं इधर ही करें जोर से है जिंगल बेल सुना दे एक दफा चलो जिंगल बेल सुनाओ कह रहे हैं दोबारा इधर ही आना है मैं इधर ही आऊंगा दोबारा वापस ठीक है मैं वॉशरूम से होके ना वापस इधर ही आऊंगा चलो जी चले जी अब हम अमरीक को क्लास में बिठा के तो वॉशरूम से होके वापस आते हैं बाबा दोबारा आते हैं चलो ठीक है आप लिखो मेरा बेटा लिखो लिखो मैं इधर ही बैठू अच्छा चलो ठीक आप लिखो बहुत अच्छा अरे बाबा भी है मामा भी देख रहा देख रहा ओ पीछे बस ठीक है पढ़ ले तू इतने जो करेगा करेगा बस हो चुका हो गया बाबा चल बाजी आ जाओ ये नहीं देना चलो हाँ जी अमरीक लिखने लगा है अमरीक साथ साथ बोलो भी ठीक है वेरी गुड मेरे बेटे ने ए भी लिख दिया और बी भी लिख दिया सर देख ले ओ वाओ सी वेरी गुड मैंने अब अमरीक के लिए ना एक चेयर लेनी है और एक टेबल लेना है ताकि अमरीक जब कुर्सी के ऊपर बैठ के पढ़े तो बड़ा प्यारा लगे ठीक है ना अमरीक हाँ इधर अमरीक में बैठ के ये देखिए सर लोग भी नीचे ही बैठे हुए हैं दो सर सिर्फ एक अमरीक के लिए बैठे हैं और उसके बाबा भी साथ बैठे हैं ये पहला बच्चा जी जो बाप के साथ क्लास में पढ़ रहा है और उसके बाबा जो है ब्लैंकेट लेके सर्दी भी लगती है ना क्योंकि सर्दी रात को बर्फ पड़ी थी आज को बर्फ पड़ी थी 3:30 बजे अब मैं जाग रहा था और ऐसे वाकई बड़े जोर से बारिश आने शुरू हुई मैं बाहर गया तो देखा तो बारिश के साथ बर्फ भी पड़ रही थी तो मैंने जल्दी से आके अमरीक को उठाया लेकिन अमरीक उठा नहीं अमरीक ने वैसे बाबा जाओ आप खुद ही देखो अच्छा मैं फिर जाके बर्फ देखने लग गया
और एमरिक सोया ना, और एमरिक ने रात को यूरिन भी कर दिया था। ओ एमरिक यूरिन किया था आपने? सच बोल रहा, सच बोल रहा। तो मेरे भी कपड़े गीले हो गए थे बारिश से, नहीं यूरिन से, और एमरिक के भी गीले हो गए। वो क्या कह रहा है? बोल रहा कि मैं मुझसे कच्ची ना करो, पक्की करो, आगे से नहीं करूंगा। अच्छा चलो जी, ये देखिए अब लिख लिया है अमृत ने तो। बाबा ही सही तो लिख रहा है। अब मेरी बात सुनो, अब अमृत लिखना शुरू हो गया तो चले अब। ना ना बाबा कच्ची कर दे मेरे साथ। बाबा आ गया, आप कच्ची है सरों के साथ भी।